इस बीच लॉरेंस गैंग के दुश्मन बमीहा गैंग की नई धमकी से एक बार फिर पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका बढ़ गई। इस बार बमीहा गैंग ने लॉरेंस के दोस्त और मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में शामिल जग्गू भगवान पुरिया को निशाने पर लिया, जिसके बाद माना जा रहा है कि पंजाब में खतरनाक गैंग वॉर छिड़ सकती है, क्योंकि ये पहली बार है जब बमीहा गैंग ने पंजाब में कबड्डी के खिलाड़ियों को जान से मारने की धमकी दी है। बमीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त जग्गू भगवान पुरिया पर कबड्डी के जरिए अपनी काली कमाई को सफेद करने का आरोप लगाया और एक फेसबुक पोस्ट के जरिए पंजाब के खिलाड़ियों को उसके कहने पर कबड्डी का मैच न खेलने की चेतावनी दे दी। बमीहा गैंग ने यह साफ कर दिया कि जग्गू भगवान पुरिया के कहने पर मैच खेलने वाला खिलाड़ी अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। और कहा जा रहा है कि बमीहा गैंग की इस धमकी ने पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ा दी, क्योंकि ये गैंग इससे पहले भी जग्गू भगवान पुरिया का करीबी होने का शक में पंजाब में कबड्डी खिलाड़ियों को निशाने पर ले चुका है। और इसी साल 15 मार्च को इन दोनों गैंग की लड़ाई में पंजाब के जलंधर में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी संदीप नंगल को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उनकी हत्या उस वक्त की गई थी जब वो एक कबड्डी टूर्नामेंट से लौट रहे थे। इस हत्याकांड का जो वीडियो सामने आया था उसमें मैदान से बाहर सड़क पर खड़ा एक हमलावर उन पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाता दिखा था, जिसके बाद बमीहा गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली थी। और हत्याकांड के अगले ही दिन उसने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए संदीप नंगल को जग्गू भगवान पुरिया के गैंग के साथ मिला हुआ बताया था। इसीलिए पंजाब पुलिस बमीहा गैंग की नई धमकी को हल्के में लेती नहीं दिख रही, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही बमीहा गैंग बुरी तरह बौखलाया हुआ है। कहा जाता है कि वो तभी से लॉरेंस गैंग के करीबियों को ठिकाने लगाने की तैयारी कर रहा है। और इसके लिए बमीहा गैंग ने पहले भी कई बार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग को धमकाया था। माना जा रहा है कि उसकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर मूसेवाला की हत्या की पूरी प्लानिंग करने वाले गोल्डी बराड़ का नाम है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवान पुरिया भी उसके निशाने पर हैं। लेकिन बमीहा गैंग के लिए ना तो विदेश में छिपे गोल्डी बराड़ को निशाना बनाना आसान है और न ही पंजाब की जेलों में बंद लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवान पुरिया को। इसीलिए उसने फिलहाल लॉरेंस गैंग का साथ देने वाले लोगों को धमकाना शुरू कर दिया है।